जल में आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुफ्त राशन और गैस कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ कहर बरपाना शुरू हो गया है। जगह जगह भूस्खलन बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। आपदा से प्रभावित होने वाले परिवारों को खाद्य आपूर्ति विभाग निःशुल्क राशन और गैस कनेक्शन देगा। बादल फटने और भारी बारिश जिन लोगों के घरों का सामान बह गया है उन्हें ये राहत दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग पीड़ित परिवारों को चावल, आटा, दालें, रिफाइंड नमक और गैस सिलेंडर भी मुफ्त देगा। कुल्लू के मणिकर्ण, बिलासपुर के कुह, मंजुवाड़ और चंबा के समय बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सोलन में ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के समीप ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। हादसा कुम्हारहट्टी सोलन बाईपास पर शमलेश के समीप हुआ। इसमें एक बाइक कार के टकराने के बाद ट्रक की चपेट में आ गया। बाइक पर चालक समेत एक अन्य युवक भी सवार था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि घायल युवक का क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार कुम्हारहट्टी सोलन बाईपास मार्ग पर दोपहर बाद करीब 4:30 बजे कुम्हारहट्टी की तरफ बाइक पर सवार दो युवक जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर और एचआर के भरे जाएंगे 300 पद। कांगड़ा के रोजगार कार्यालयों में होंगे साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला शमी शर्मा ने बताया कि इंडिकेटिव सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड डांडा शिमला में सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर एचआर के 300 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं और बीए पास, आयु सीमा 18 से 38 वर्ष रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान के तौर पर 12,000 से 22,000 रूपए प्रति माह दिया जाएगा। जीप चालक की लापरवाही से मां बेटे की मौत। इनर सरवरी बाजार में एक लोड पिकअप जीप को बैक करते समय इसकी जद में आने से महिला व उसके बेटे की मौत हो गई। इस घटना में महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पोती भी चोटिल हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जीप को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इनर सरवरी में शाम के समय सरला देवी और उनका बेटा व पोती सड़क किनारे जा रहे थे। इस दौरान जीप को चालक द्वारा बैक करने पर पीछे की तरफ उसकी जद में आने से महिला की मौत हो गई। वहीं उसका बेटा व पोती जीप की चपेट में आने से जख्मी हो गए थे।